दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट में गूगल ड्राइव को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली जितने भी हमारे फाइल और फोल्डर होते हैं वो हमारा गूगल ड्राइव के अंदर ही सेव होते हैं, तो आप इस पे ऑटोमेटिकली किस तरीके से जो होता है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके फाइल्स और फोल्डर के साथ खेल सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो होता है आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें जो होता है मैं इसके जो होता है एक पूरा सीरीज़ लेकर के आऊँगा जिसमें मैं सारी जो होता है आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें इसमें मैं सिखाऊँगा। तो दोस्तों विदाउट देरी किए हुए मैं सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आपसे लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने शेयर टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने ऐप स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पर मैंने अपना ऐप स्क्रिप्ट एडिटर खोल लिया है। एक्चुअली ये मेरा मतलब ये सिंपली इसमें गूगल सीट है, इसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली हम सीधे अपने ऐप स्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आज से हम जो है गूगल ड्राइव को के साथ काम करना सीखेंगे। ये मेरा स्टार्टिंग का वीडियो है और इसमें हम जो है अगर जो आज सीखने वाले हैं वो ये है कि हम गूगल अपने ड्राइव के अंदर कितने, अगर हमें पता करना हो कि क्या फाइल्स हैं, क्या फोल्डर्स हैं और क्या हमारी लिमिट्स हैं, मतलब मेरे गूगल ड्राइव में कितना मेरी स्टोरेज लिमिट है, वो सारी चीज़ें अगर आपको पता करना है स्क्रिप्ट के थ्रू, वो सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप कैसे कर पाएंगे। तो ये एक फ़िलहाल आज का एक स्टार्ट वीडियो, तो हम बहुत ज़्यादा डीप एडवांस लेवल पे बात नहीं करने वाले हैं, अभी हम बेसिक से बात करेंगे, फिर हम इसके आगे के और भी एडवांस तरीके देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट यह माई फंक्शन रहता है तो मैं माई यहाँ पर फंक्शन का नेम ले लेता हूँ, माई ड्राइव ऐप। तो यहाँ पे हमने इसको फंक्शन का नाम दे दिया। अब बेसिकली यहाँ पे आपको पता है कि मैंने थोड़ा बहुत आइडिया भी आपको दिया था, यदि आपने मेरा प्रिंट वगैरह पीडीएफ फाइल को किस तरीके से प्रिंट करना है, गूगल ड्राइव में कैसे लेके जाना है और कैसे सेव करना है, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया था कि आपको किस तरीके से ड्राइव ऐप के साथ काम करना है। तो जैसे सारी चीज़ें का अपना एक मतलब मेथड होता है, जैसे अगर मुझे फॉर्म के साथ काम करना है तो फॉर्म ऐप का यूज़ करते हैं, अगर मुझे स्प्रेडशीट के साथ काम करना है तो स्प्रेडशीट ऐप होता है, और अगर मुझे आगे मैं अगर कैलेंडर के साथ अगर आपको काम करना है, अगर मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं सिखाऊंगा तो उसमें कैलेंडर ऐप होता है। इसी तरीके से अगर आप ड्राइव के साथ काम करने वाले हैं गूगल ड्राइव के साथ, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास ड्राइव ऐप नाम का एक मेथड होता है। अगर आप उसको एक्सेस करते हैं तो आप ड्राइव ऐप मतलब गूगल ड्राइव के जितने भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं आप उसमें उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे अगर मुझे अपने ड्राइव ऐप के अंदर मुझे ये पता करना है कि मेरे ड्राइव में कितने फोल्डर्स हैं तो आप कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोल्डर, एफ ओ एल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि आपको अगर ड्राइव ऐप मतलब गूगल ड्राइव के साथ काम करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ड्राइव ऐप। जैसे आप ड्राइव ऐप लिखते हैं उसके बाद डॉट लगाते हैं तो ड्राइव के साथ जितने भी उसके मेथड और प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे गेट फोल्डर बाय आईडी एंड रिसोर्स की, गेट फोल्डर्स और यहाँ पे गेट फोल्डर, रूट फोल्डर, ये सारी चीज़ें हैं, रिमूव फाइल, ये एवरीथिंग, यहाँ पे बहुत सारे मेथड और प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, एक एक करके हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ पे देखना है कि अगर हमारे गूगल ड्राइव के अंदर क्या फोल्डर हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड होता है गेट फोल्डर्स। तो गेट फोल्डर्स एक्चुअली एक इटरेटर होता है और इटरेटर का मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पर आपको इटरेटर का मतलब होता है कि आप यहाँ पर आप इसका एक एरे मिलता है और उस एरे को हमें एक्सेस करने के लिए आपको पता है कि हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट फोल्डर्स। तो गेट फोल्डर्स का जैसे ही मैं अगर इसको यहाँ पर मैं आपको लॉग के अंदर इसको मैं चेक करवाऊँ तो लॉगर डॉट लॉग अगर मैंने लिखा तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो फोल्डर का एक्चुअली मुझे जो होता है एक इटरेटर मिल जाएगा। इटरेटर बेसिकली क्या हो जाएगा कि एक एरे मिलेगा हमें और इसे हमें एक्सेस करने के लिए देखिए यहाँ पे फोल्डर इटरेटर, फोल्डर इटरेटर बेसिकली ये एक एरे है फोल्डर्स का। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे लूप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप इसके जो होता है डॉक्यूमेंटेशंस में जाएंगे तो इसमें ड्राइव ऐप के साथ जो हम लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं वो होता है बेसिकली हमारा इन्होंने हमें दिया हुआ है इसको एक्सेस करने के लिए वाइल लूप।
तो व्हाइल लूप से आप बेसिकली इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा व्हाइल, और व्हाइल के अंदर एक्चुअली मैंने व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक वीडियोज़ में ही कवर किया हुआ है, यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मैं यहाँ भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर फॉर व्हाइल जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसमें जो मेथड इन्होंने दिया हुआ है वो होता है फोर, मतलब आपका एरे क्या है, ये फोल्डर है चूँकि ये एक इटरेटर है। तो यहाँ पर एरे हमको मिल रहा है, तो यहाँ जैसे ही आप डॉट लगाएंगे मतलब अपना एरे का नाम लिखने के बाद जैसे ही डॉट लिखेंगे इसमें आपको जो दो मेथड है उसके बाद ये जो सबसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हैज नेक्स्ट और नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, तो इसका जो होता है इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हैज़ नेक्स्ट क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे पुट करता है क्या इसमें फोल्डर है आगे भी फोल्डर हैं, तो मतलब हैज़ मतलब एक तरीके से क्वेश्चन मार्क समझिए, हैज़ नेक्स्ट क्या ये जो फोल्डर है क्या इसमें आगे भी फोल्डर है। तो ये जैसे अगर ये मतलब बेसिकली जो हमें आउटपुट में देने वाला है ये हमें देगा बुलियन वैल्यू, बुलियन वैल्यू इन द सेंस मतलब हमें ट्रू और फॉल्स में हमको वैल्यू मिलेगा। अगर ट्रू होगा तो ये आगे की तरफ मतलब नेक्स्ट हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो वहीं पर ये लूप समाप्त हो जाएगी। बेसिकली हैज़ नेक्स्ट एक क्वेश्चन टाइप का है, अगर यहाँ पे यस होने वाला है अगर हमें ट्रू मिलेगा तो ये लूप आगे बढ़ जाएगी, अगर हमें लूप में नो मिलता है या फॉल्स मिलता है तो हमें यहाँ पे ये लूप क्विट हो जाएगी। बेसिकली हैज़ नेक्स्ट यहीं हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर फिर आपको कर्ली ब्रैकेट देना है, देन यहाँ पर यदि है मतलब एरे के अंदर अगर कोई फोल्डर है तो यहाँ पे फिर हमें लिखना होगा नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि अगर हमें जहाँ जहाँ ट्रू मिलेगा तो वो जो होता है हमें उस फोल्डर का हमें यहाँ पे नेम देगा, अगर हमें फोल्डर नहीं होगा मतलब फोल्डर अगर जो की वैल्यू अगर हमारे इटरेटर के अंदर अगर फोल्डर नहीं है तो वहाँ पे फॉल्स होते ही ये लूप क्विट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट फोल नेम, क्योंकि हमें यहाँ से सिर्फ फोल्डर का नेम ही मिलने वाला है, तो मैंने इसको जो भी नेम मिलेगा हमें यहाँ पर मैंने फोल नेम फिर मैंने इसको इसमें स्टोर करने वाला हूँ। देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि लॉगर डॉट लॉग अगर मैं लिखूँगा और इसमें सीधे मैं क्या करता हूँ फोल नेम को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ फोल नेम, तो यहाँ पे फोल्डर नेम लिख लिया मैंने, उसके बाद सेमी कॉलन दिया, देन मैंने सेव किया और मैं इसको रन करता हूँ। तो हमारे ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे उसका नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और ये देखिए हमारे पास जो जो भी फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं बेसिकली वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है उसके सारे नेम, और यहाँ पर ये शो कर रहा है। अगर मैं अपने ड्राइव ऐप के अंदर चलूँगा तो यहाँ पर भी देखिए कुछ यहाँ पर नेम है, चूँकि ये रेंडमली नेम उठा लेते हैं, तो ज़रूर नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें यहीं पर डायरेक्टली दी जाए, जैसे ऐप सीट एक्सेल होम इमेज स्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं चलूँगा और अपनी इसके अंदर देखूँगा तो कहीं ना कहीं वो नेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नेम देखिए यहाँ पे आ चुका है ऐप सीट, देन यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा भी नीचे हूँ जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए दो नाम से दो बार मैंने ऐप सीट किया हुआ, मतलब फोल्डर के अंदर भी मैंने कहीं फोल्डर बना के रखा होगा। स्क्रिप्ट नाम से भी देखिए मैंने पहले से के सामने भी दिख रहा है कहीं, और फोल्डर के अंदर भी मेरा स्क्रिप्ट बना हुआ होगा नाम से फोल्डर। तो इसमें जहाँ जहाँ भी इसको जहाँ जो जो भी पूरे ये अपने सिस्टम के अंदर पूरे फोल्डर्स को रीड करेगा तो जो भी नाम जहाँ भी होंगे वो सारा आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो ये इस तरीके से आप ड्राइव ऐप के थ्रू जो होता है फोल्डर्स को अपने गूगल ड्राइव में कितने फोल्डर्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं, उनके नाम को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। अभी तो मैं फिलहाल फोल्डर और फाइल्स को किस तरीके से आप देख सकते हैं, आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं इसके जो होता है और भी जो भी इसके साइज़ हैं प्रॉपर्टीज़ हैं डेट क्रिएशंस हैं इसकी जो भी आपने अब लास्ट अपडेट कब किया वो सारी चीज़ें मैं इसको अभी आने वाले वीडियोज़ में मैं दिखाऊँगा। तो इसी तरीके से आप अगर जो आप फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं तो आप इसी तरीके से फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे गेट फोल्डर्स की जगह पे आपको गेट फाइल्स करना है जो कि सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसको मैं एज इट इज़ सारी चीज़ें रहने देता हूँ, मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करूँगा और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो हमारे जो भी ड्राइव के अंदर जितने भी फाइल्स होंगे उसकी सारी लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, एडवांस्ड वी लुकअप डाउनलोड डॉट जेपीजी और भी कितने जितने भी नाम से मैंने फाइल्स बना के रखा होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, जेपीजी पीएनजी जितनी भी फाइल्स होंगी हमारे ड्राइव के अंदर वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने गूगल मतलब ड्राइव में किस तरीके से आप फाइल और फोल्डर्स को जो होता है फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपको अगर ये पता चल जाए कि आपके ड्राइव की कितना आपका कितनी लिमिट्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस सिंपली यहाँ पर लिखना होगा गेट स्टोरेज, यहाँ पर लिखना होगा गेट स्टोरेज लिमिट। तो यहाँ पर ये जो मेथड है इससे आपको जो होता है अपने ड्राइव की कितना स्टोरेज की लिमिट है वो भी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली इसको जो होता है लॉक के अंदर प्रिंट कर लीजिए। बेसिकली ये जो हमें आउटपुट में देगा ये हमें आउट में बाइट्स में इसकी वैल्यू आएगी। मैं सब कुछ ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करूँगा और मैं ये जो लूप है अभी मैं इस लूप को बंद कर देता हूँ, और क्योंकि यहाँ पर हमें भी कुछ मिलेगा नहीं और ये हमें एरर दे देगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, देन रन करता हूँ और ये देखिए हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है, ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो हमें बाइट्स के रूप में मिल रहा है। अगर आप इसे जो होता है जीबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा 1024, क्योंकि एक केबी में 1024 होता है, एक एमबी में 1024 केबी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 3 times 1024 यहाँ 1024 into 1024 अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो जो भी आउटपुट आपको मिलेगी वो जीबी में मिलेगा। मैं इसको जो था सेव करता हूँ, देन रन करता हूँ और ये देखिए आपको यहाँ पर पता मिल चुका है कि आपको जो ड्राइव की कैपेसिटी है, जो उसकी स्टोरेज की लिमिट है, वो है 15 GB। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसकी जो स्टोरेज लिमिट है 15 GB है। तो इस तरीके से आप जो था ड्राइव ऐप की मदद से अपनी स्टोरेज की लिमिट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके यूज़ को भी आप पता कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे गेट स्टोरेज यूज, तो आपको यहाँ पर जो भी आउटपुट मिलेगा वो स्टोरेज के यूज़ कितना हुआ है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर गूगल ड्राइव में फाइल और फोल्डर को जो होता है फाइंड आउट कर सकते हैं। और आने वाले वीडियो में मैं इसके और भी जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो मैं आपको जो होता दिखाऊंगा। तो फिलहाल आज ये बेसिक वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।